क्या समस्या? हमारे गांव के लड़का है, मतलब हमको रास्ता में कहीं देखता था, छेड़ता था, हमारे घर के नंबर मांग के फोन किया था हमारे मोबाइल पे, हमको हमेशा परेशान करता था। और हमको जब डिलीवरी रह गया तो हमको छोड़ दिया, फिर जबरदस्ती दवाई खिला दिया, उसके घर वाले अपने मम्मी से बता दिया, सब गए रेलवे लाइन के किनारे ब्लॉक पे, सब हमारे आसन सब करवा दिए जबरदस्ती, फिर छूट गया, फिर दोबारा हुआ है। आप सब पैसा थाने सब दे दिए हैं, आप सब कह रही है चलो सुन लो करो, तब कहा लड़का शादी करने के, तब आप पूछे हैं तो कह रहा अब हम नहीं करेंगे, कह रहा हम जेल भी नहीं जाएंगे, तुमको जन करना है तुम जाओ कर लो, जबरदस्ती सब बतिया रहे हैं। और उसके बाद से फिर उनकी जबरदस्ती सब बतियाने तो पुलिस बैठ के हमारे दुआरी सब मार पीवा रहे हैं, पुलिस दौड़ा रहे हैं, पुलिस पैसा पा गए हैं, सब दौड़ा रहे हैं हम लोग को। अब फिर तो उनकी हमारे घर वाले के प्रधान के सबको आज लाकर सब बंद किए हैं, कह रहे हैं जब तक तुम सुन ले नहीं करोगी तब तक तुम ही जेल चली जाओगी। वो हमसे बात करता था। हाँ, शिकायत नहीं हम कहीं नहीं किए हैं, नहीं थाने पकड़ी थी पुलिस की बोली। हाँ, तो उनसे सबसे हम पूछे तो सब कहे कि मतलब मुकदमा लिखवाओ, तो कहानी हाँ ठीक हम लिखवाएंगे, अभी ये सब हमसे सुन ले करवा के उल्टा केस हमारे सब डाल दे लेवाना लोगन की सब जेल जाएंगे घर बार इनकर घर के। अब देखिए इन्नी समय प्रधान के हमारे भैया के सबके पकड़ के लाए, सब थाना बंद करवा लेवाना लोगन, अभी 5 लाख रुपया थाना सब दे लेवाना, यही सब।